सड़क पर बने गड्ढों की ओर प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए एक शख्स ने अनोखा तरीका निकाला है। उन्होंने इन गड्ढों में नूडल्स भरना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले गड्ढों में बर्थडे केक काटा गया था। कभी वे सड़क पर बने गड्ढों में प्लास्टिक की बतख तैरा देते हैं तो कभी मॉडल टैंक उतार देते हैं। ब्रिटेन के रहने वाले मार्क मोरेल पिछले 10 सालों से अपने देश में ये सब कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो मिस्टर पोटहोल के नाम से फेमस हैं। उम्र के इस पड़ाव में मार्क के जज्बे को देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए मार्क अपने ही अंदाज में मुहिम चला रहे हैं। अभी वह गड्ढों में नूडल्स भरकर प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। दरअसल मार्क को साइकिल से चलने वालों की चिंता है जो इन गड्ढों के चलते हादसे का शिकार हो जाते हैं। वो उन लोगों के परिवारों से भी मिलते हैं जिनकी गड्ढों में गिरने से मौत हो गई। मार्क का कहना है कि वो जब तक नहीं रुकेंगे जब तक सड़कों के सारे गड्ढे भर नहीं जाते। मेट्रो यूके के अनुसार 2023 में सड़क मरम्मत के लिए यूके सरकार ने 20 अरब रुपए से अधिक का बजट जारी किया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।